वेलकम टू माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडर रोड। माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडर रोड आपका स्वागत करता है। हेलो स्टूडेंट, आई एम प्रमिता चौधरी फ्रॉम माँ कल्याणिका पब्लिक स्कूल पिंडर रोड बिलासपुर छत्तीसगढ़। सो स्टूडेंट, वी आर बैक टू आवर इन्वायरमेंटल स्टडीज क्लास ऑफ फिफ्थ। होप यू ऑल आर वेल एट होम फॉलोइंग द सोशल डिस्टेंसिंग रूल एंड मेंटेनिंग द हाइजीन एंड ट्राई टू लर्न एवरी डे समथिंग न्यू। दिस लर्निंग प्रोसेस विल इम्प्रूव योर नॉलेज, इट इज़ बेनिफिशियल फॉर यू। सो स्टूडेंट, इन माई प्रीवियस वीडियो वी विल डिस्कसिंग अबाउट our chapter 5, the world of animal, you know. So we have already discussed these points, that like a sense of animal, sense of smell, sense of touch, sense of taste, a sense of hearing, sense of sight, do animal sleep, animal product we use, animal in danger. So our next last point is our in dependence on animals. Okay, let's start reading. We have already seen these points, like human, they have also sense organs, hai na, they also use their sense organs, they sleep also, they smell with their nose, hai na, they sense of, they can touch with different parts, even sense of taste they have, all the senses they have like humans. They sleep also, like small animals they sleep more, and the bigger animal they need less sleep. Like human also, the adult guy need less sleep, but babies and infants they need more sleep. Okay, we have we use the animal products we use, you know, in many ways. We have already seen here all animals in danger, so many animals in danger. We have seen how poaching and extinction is there. Okay, or endangered animal we have seen. So and we have prepared that Corbett National Park. This is the first national park in India, established in 1973. And how many we have seen, how many for protecting these animals, we have seen how many. There's 100 of national park and 500 wildlife sanctuaries in India. So watch all those videos about this lesson. Okay, this let's start our next point, last point, our independence of dependence of animals. Many people depend on animals for their livelihood. It is not wrong to use animals to earn a living, but often in a circus, some animals are kept in the small cages or chains. मतलब बहुत सारे जो लोग हैं वो डिपेंड होते हैं एनिमल्स पे अपनी लाइवलीहुड, अपनी रोजी रोटी के लिए, तो ये गलत नहीं है. लेकिन जैसे सर्कस में होता है एनिमल्स को केज में, पिंजरे में बंद करके रखना, उनको चेन करके रखना, ये गलत चीज़ें होती हैं. मतलब आप किसी को टॉर्चर करना, आप खुद सोचिए कि अगर आपको कोई ऐसे केज में बंद करके रख दिया या चेन से बांध करके, आप कैसा फील करेंगे? क्योंकि हर किसी को फ्रीडम पसंद है ना, इंडिपेंडेंट रहना फ्रीडम पसंद है. तो इस तरीके से हम सोच के देखेंगे कि वो कैसा फील करते हैं, है ना. They are even beaten mercilessly and made to perform dangerous act. Read about Shambhu and his friend Raja. तो जो वो जानवर होते हैं जो सर्कस में होते हैं, उनको ना बहुत बुरी तरह से मारा जाता है और उन्हें फोर्स किया जाता है कि परफॉर्म डेंजरसली. जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, इस तरीके से परफॉर्म करने के लिए ना, इस तरीके से केजेस में रखते हैं और परफॉर्म करने के लिए उन्हें बना फोर्स किया जाता है कि वो करें, है ना, उनको मार के डरा के, है ना, इस तरीके से. चलिए रीड करते हैं. शंभू है और उसका फ्रेंड राजा है, उसकी स्टोरी. शंभू इज़ Mahat. He looks after Raja, his pet elephant. Shambhu loves Raja very much. He takes Raja to tourist spot and offers ride to tourist. He is also called a weddings or birthdays. जो शंभू है वो महावत है. महावत मतलब महावत, जो नहीं हाथी को सवारी करते हैं, हाथी को लेके जो भी टूरिस्ट हैं उनको लेके उनकी सवारी करके उनको घुमाना, ये सारी चीज़ें करना, है ना, जंगल्स में राइड के लिए लेके जाना टूरिस्ट को, और साथ में वेडिंग्स में और बर्थडेज में भी उसको बुलाते हैं. तो शंभू अपने पेट को राजू को लेके जाता है. शंभू टेक्स गुड केयर ऑफ राजा. जो शंभू है वो राजा का बहुत केयर करता है. ही गिव्स हिम प्रॉपर फूड एंड रेस्ट. उसे प्रॉपर फूड और रेस्ट करने को देता है टाइम. ही कीप्स हिज प्लेस of stay clean. और जहाँ वो राजा रहता है उस प्लेस को वो बहुत अच्छे से साफ़ सुथरा क्लीन रखता है. ही नेवर कीप्स राजा इन चेंज. और वो कभी राजा को चेंज से बांध कर नहीं रखता है. ही गिव्स हिम अ बाथ रेगुलरली. और उसे वो नहलाता है रेगुलरली. ही टेक्स हिम अ वेटनरी डॉक्टर फॉर चेकअप ऑल्सो. है ना, वो उसको वेटनरी डॉक्टर्स, जब भी कभी उसको कोई प्रॉब्लम है या उसको चेकअप्स के पास लेके जाता है डायरेक्टर वेटनरी डॉक्टर के पास, ताकि उसको कभी कोई प्रॉब्लम ना हो. द मदारीज, है ना,
द मंकी एंड बियर ट्रेंड है ना, जो मंकी और बियर ट्रेंड होते हैं मदारी से, द स्नेक चार्मर्स या जादूगर, या वो सपीरा भी बोल सकते हैं, और चार्मर्स है ना जो स्नेक को लेके जादू दिखाते हैं या फिर कुछ भी खाते हैं, ट्रिक्स करते हैं। टांगा वालाज एंड सर्कस अथॉरिटीज़ ऑल डिपेंड ऑन एनिमल्स टू अर्न देयर लिविंग। ये जो हैं जितने भी हैं ये एनिमल्स के ऊपर अपनी लिविंग के लिए डिपेंड होते हैं। द गुज्जर्स हु लिव इन द नॉर्थ वेस्टर्न एंड सेंट्रल इंडिया रेयर कैटल है ना, जो गुज्जर्स होते हैं जो नॉर्थ इंडिया और वेस्टर्न साइड में, गुजरात साइड में, वहाँ से होते हैं गुज्जर्स है ना, और ये हरियाणा, ये इस साइड का जो एरिया है वहाँ के जो लोग होते हैं जो रेयर कैटल है वो पीछे के वहाँ के लोग जो कैटल से हैं वहाँ पे, जैसे कि भेड़ होते हैं ना, वो इन सब चीज़ों को पशुओं को चरा के लेके जाते हैं अब कि जहाँ पे उन्हें ज़्यादा ग्रीनरी, क्योंकि इन सब जगह में वेस्टर्न साइड में ग्रीनरी थोड़ा कम होता है, तो ये एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। दे मूव विद देयर हर्ड ऑफ कैटल इन सर्च ऑफ पास्चर्स है ना, तो वो अपने जानवरों को लेके मूव करते हैं चराई के लिए ना, जहाँ पे वो घास खा सके, उनका पेट भर सके, और दे लुक आफ्टर देयर कैटल एंड सेल मिल्क टू अर्न अ लिविंग, और उनका ख्याल रखते हैं और दूध बेच के अपनी लिविंग के लिए वो खर्चे निकालते हैं। एनिमल्स आर आवर फ्रेंड, वी डिपेंड ऑन देम फॉर सो मेनी थिंग्स, वी शुड नॉट टू बी क्रूअल टू देम। एनिमल्स हमारे फ्रेंड हैं, हम बहुत तरीके से उन पर डिपेंड होते हैं, तो हमें उनका ख्याल रखना चाहिए, उनके साथ क्रूअल कभी क्रूरता से बिहेव नहीं करना चाहिए। स्टूडेंट्स वी विल सी वन दैट वन टेबल हेयर इन योर बुक इन पेज नंबर 29, लेट्स सी दैट थिंग ऑल्सो, दैट हेयर यू कैन सी द एनिमल्स टारगेटेड बाई पोचर्स। ओके ना, जो शिकारियों से जो टारगेटेड होते हैं, जैसे हमने देखा भी था, एलिफेंट है ना, राइनोसोरस, चीरू, मस्क डियर, टाइगर, टस्क ऑफ मेक आइवरी गुड्स है ना, और जो है आइवरी गुड्स आई विल शो यू, ये जो आइवरी गुड्स है ना, हाथी दांत की चीज़ें हैं, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हमें ये सब चीज़ें ना खरीदें, ताकि जो पोचिंग है वो ना हो, जैसे कि वो किलिंग ना हो अननेसेसरी है ना, हंटिंग ना हो अननेसेसरी, पोचिंग ना हो, और जैसे कि एक्सटिंक्शन भी नहीं होगा, जो भी प्रजाति है वो विलुप्त नहीं होगी, इस तरीके से हम देखेंगे। और जो राइनोसोरस है, हाउ टू मेक ऑर्नामेंटल डेंजर हैंडल्स एंड मेडिसिन, जो चीरू हैज टू मेक अ स्पेशल टाइप ऑफ शॉल कॉल सहतूश है ना, मस्क डियर हैरी ग्लैंड कॉल मस्क टू मेक परफ्यूम्स, टाइगर स्किन ऑफ डेकोरेटिव आइटम्स बोन्स एंड टीथ टू मेक मेडिसिन। ओके, तो आई विल शो यू हियर, ये आइवरी गुड्स हैं जो धाती के दांत के बने हुए हैं, ये इन चीज़ों को बना के डेकोरेटिव, वो बहुत कॉस्टली बिकते हैं, इसलिए इनका पोचिंग होती है इनकी है ना। ये है राइनोसोरस का भी हॉर्न दिखेंगे, ये इस तरीके से ये डेकोरेटिव आइटम्स और ये चीज़ें बनाई जाती हैं सर डेकोरेट करने के लिए, लेकिन ये गलत है, इन सब चीज़ों को अगर हम यूज़ करना बंद कर दें तो ये इनकी पोचकिंग होना बंद हो जाएगी और ये एक्सटिंक्शन से बच जाएंगे। ओके, ये देखिए, ये है मस्क, ये ग्लैंड है, मस्क ग्लैंड है जो कि मस्क डियर में मिलता है ना, और इसके जो इसको काट के या फोड़ के इसके अंदर से वो मस्क निकाला जाता है, जैसे कि परफ्यूम रेडी किया जाता है। और ये चीरू के जो बाल होते हैं, चीरू आपका दैट तिब्बतन एंटलोप है ना, जो उससे इसके बालों से ये इस तरीके का शहतूश नाम का, ये जो काफ़ी महंगा आता है ये सारी चीज़ें, इनके कपड़े बहुत सॉफ्ट होते हैं, लेकिन इसकी स्मगलिंग भी होती है, और इससे क्या अगर कोई जानवरों को मार के या उसको टॉर्चर करके कोई चीज़ करता है, दिस नॉट राइट, तो वी शुड अवॉइड यूजिंग ऑल दोज थिंग्स। ओके, टू स्टॉप दिस काइंड ऑफ पोचकिंग एक्सटिंक्शन। एंड स्टूडेंट्स नाउ लेट्स सी न्यू वर्ड्स, पोचकिंग दैट इलीगल हंटिंग ऑफ एनिमल्स, आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, एक्सटिंक्ट एनिमल दैट हैव डाइड आउट है ना, जो एक्सटिंक्ट मतलब जो विलुप्त हो चुके हैं, जो मर चुके हैं। नेशनल पार्क एंड एरिया रिजर्व फॉर प्रिजर्विंग वाइल्ड लाइफ फॉरेस्ट एंड द नेचुरल ब्यूटी ऑफ अ रीजन है ना, जो नेशनल पार्क होते हैं जो कि प्रिजर्व करती है वाइल्ड लाइफ को, फॉरेस्ट को भी, और नेचुरल ब्यूटी ऑफ उस रीजन को। और जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, एंड एरिया रिजर्व फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ इंडेंजर्ड एनिमल्स, जो कि जो ख़त्म होने वाली प्रजाति हैं उसको, उनको सेव करने, प्रिजर्व करने के लिए जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बनाती हैं। ओके, नाउ वी नो, लेट्स देखते हैं हमने क्या क्या सीखा, रिवाइज करते हैं।
Like humans, animals also use their senses organs to communicate with one another, find food and escape danger. जो like human, जो human के जैसे ही animals भी अपने सेंस organs काम use करते हैं एक दूसरे से communicate करने के लिए, खाना ढूंढने के लिए और danger से escape करने के लिए, भागने के लिए. Animals need rest and sleep. Small animals sleep more than big animals. जो animals को भी sleep और rest की ज़रूरत होती है like humans. और जो small animals उनको ज़्यादा नींद की, और जो big हैं वो कम नींद से भी हो जाता है like human also. We use animal product for food and clothing and shelter. हमारे जो products हैं animal product, हमको अपने food के लिए, clothing के लिए, shelter के लिए, घरों के लिए हम चीज़ें use करते हैं animal products को. Many animals are in danger of dying out, है ना. बहुत सारे जो animals हैं वो डेंजर में है, जो मर्द विलुप्त होते जा रहे हैं. जैसे कि मैंने ऑलिव रिडल टर्टल हमने देखा था, है ना. राइनोसोरस है, तिब्बतन एंटेलोप है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है, ब्लैक मक एंड मस्क डियर है ना. ये सारी चीज़ें हमने ऑलरेडी पहले ही देखी हैं, डिस्कस किए हैं प्रीवियस वीडियो में. महावत स्मदारिस स्नेक चार्मर्स टांगा वालाज एंड सर्कस अथॉरिटीज डिपेंड ऑन एनिमल्स फॉर लिविंग हुड, है ना. ये जो है महावत और महावत मदारिस, ये स्नेक चार्मर्स, ये सारे टांगा वाला, ये सारे डिपेंड करते हैं लिविंग हुड के लिए, है ना, इनकी रोजी रोटी के लिए, लाइवलीहुड के लिए, कि उससे उनकी अर्निंग होती है. ओके, लाइवलीहुड उनका चलता है. वी मस्ट टेक केयर ऑफ एनिमल एंड नेवर बी क्रूअल टू देम. हमें हमेशा एनिमल्स का ख्याल रखना चाहिए और उनके साथ कभी भी क्रूरता से बिहेव नहीं करना चाहिए. उनको केज में बंद करके रखा, चेन से बंद कर रखा, और अपनी ज़रूरतें को पूरी करने के लिए उनको किलिंग करें, है ना, पोचकिंग, ये सारी चीज़ें से, ये सारी चीज़ों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए. बेटर होगा कि हम एनिमल्स से, जैसे कि आइवरी गुड्स हैं, राइनोसोरस के जो रेगर हैंडल्स बनाते हैं, चीरू जो शॉल है, ये सारी चीज़ें हम मस्क डियर, है ना, मस्क वाले जो परफ्यूम्स हैं, और टाइगर का जो कोटेड आइटम्स होते हैं, बोन्स और टेथी, ये सारी चीज़ें हम ना यूज़ करें तो इनकी जो पोचिंग है, पोचिंग भी वो भी बंद हो जाएगी. इनका कंस्ट्रक्शन भी, मतलब जो कि इंडेंजर्ड एनिमल्स हैं वो सेव हो जाएंगे. ओके, सो स्टूडेंट्स, होप यू अंडरस्टैंड दिस चैप्टर. रीड बुक आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो एंड रिवाइज और जस्ट rewatch all the videos about this chapter and wait for my next video. Till then, stay home, stay safe. Bye bye. Thank you for watching.